क्या आपने कभी खुद को बहुत सारे विचारों थॉट्स में फंसा हुआ महसूस किया है? ऐसा लगता है जैसे बिना छाते के तूफान में फंस गए हों। सीक्रेट है अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। कल्पना कीजिए, आप एक ब्रिज पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि लीव्स नदी में बह रहे हैं। ये लीव्स आपके थॉट्स हैं, आप बस उन्हें बहते हुए देख सकते हैं। यह आपके और आपके थॉट्स के बीच एक स्पेस क्रिएट करने जैसा है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना एक सुपर पावर की तरह है। थॉट ऑब्जर्वेशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन शुरुआत में इसे समझना चैलेंजिंग हो सकता है। यह आपके अपने माइंड का विटनेस बनने जैसा है। कल्पना कीजिए कि आप मूवी थिएटर में बैठे हैं। आपके सामने जो स्क्रीन है वह आपका माइंड है और जो थॉट्स हैं वह उस पर चलने वाली मूवी है। आप मूवी को बदलने या उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस इसे अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं। इस प्रैक्टिस को माइंडफुलनेस या मेटाकॉग्निशन भी कहा जाता है। यह पीछे हटने और अपनी मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करने का कार्य है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आप अपनी कॉन्शियसनेस और अपने थिंकिंग माइंड के बीच एक सेपरेशन क्रिएट करते हैं। यह सेपरेशन आपको यह देखने की अनुमति देता है कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप उनके पीछे की अवेयरनेस हैं। एक आम मिसकंसेप्शन है कि थॉट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपके पास बिल्कुल भी विचार नहीं है। यह सच नहीं है। विचार हमेशा आते जाते रहेंगे। लक्ष्य सोचना बंद करना नहीं है, यह आपके विचारों में फंसे बिना उनके प्रति अवेयर होना है। थॉट ऑब्जर्वेशन का प्रैक्टिस केवल एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह साइंटिफिक रिसर्च द्वारा समर्थित है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया है कि रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर को बदल सकता है। इस फेनोमेनन को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है। स्टडी से पता चला है कि थॉट ऑब्जर्वेशन से ब्रेन के एरियाज में ग्रे मैटर बढ़ता है। वे अमिग्डाला में एक्टिविटी में भी कमी दिखाते हैं। इसका मतलब है कि अपने विचारों को ऑब्जर्व करना आपके ब्रेन को काम कर सकता है। थॉट ऑब्जर्वेशन हजारों वर्षों से कई आध्यात्मिक परंपराओं स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की आधारशिला रहा है। बौद्ध धर्म में इसे विपश्यना या इनसाइट मेडिटेशन के रूप में जाना जाता है। इस प्रैक्टिस में बिना किसी जजमेंट के विचारों भावनाओं और संवेदनाओं को ऑब्जर्व करना शामिल है। लक्ष्य चीजों को वैसा ही देखना है जैसी वे वास्तव में हैं, हमारे हैबिचुअल थॉट पैटर्न्स के डिस्टॉर्शन से मुक्त। हिंदू धर्म में कॉन्शियसनेस को विटनेस करने का अभ्यास कई प्रकार के योगा और मेडिटेशन का केंद्र है। भगवद गीता का प्राचीन ग्रंथ विचारों से डिटैचमेंट के महत्व की बात करता है। यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान विजडम मन के नाटकों में फंसे बिना उसे ऑब्जर्व करने से आता है। यह डिटैचमेंट जीवन से अलग होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने विचारों से नियंत्रित न होकर अधिक पूरी तरह से जीने के बारे में है। ईसाई मिस्टिसिज्म में भी थॉट ऑब्जर्वेशन की एक परंपरा है। संत टेरेसा ओन ऑफ एविला जैसे रहस्यवादियों द्वारा सिखाई जाने वाली कॉन्टेम्पलेटिव प्रेयर के अभ्यास में मन को शांत करना और विचारों के आते ही उन्हें ऑब्जर्व करना शामिल है। लक्ष्य थिंकिंग माइंड की चैटर से मुक्त डिवाइन प्रेजेंस के लिए जगह बनाना है। सूफीवाद में इस्लाम की मिस्टिकल ब्रांच मुराकबा नामक एक प्रैक्टिस है। इसमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए किसी के विचारों और आंतरिक अवस्थाओं को ऑब्जर्व करना शामिल है। सेक्शन 5, क्लीन कॉन्शियंस पर एकहार्ट टोले की शिक्षाएं। एकहार्ट टोले, एक आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षक, ने अपनी किताबों और शिक्षाओं के माध्यम से लाखों लोगों के लिए थॉट ऑब्जर्वेशन के अभ्यास को सामने लाया है। टोले प्रेजेंस के महत्व पर जोर देते हैं, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जागरूक होने का। वह सिखाते हैं कि हमारा अधिकांश सफरिंग अतीत या भविष्य के बारे में विचारों में खोए रहने से आता है, बजाय इसके कि हम अभी में मौजूद रहें। टोले पेन बॉडी की अवधारणा का परिचय देते हैं, जिसका वर्णन वे पुराने भावनात्मक दर्द के संचय एक्यूमुलेशन के रूप में करते हैं। वह सिखाते हैं कि अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के ऑब्जर्व करके हम इस पेन बॉडी को डिसॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन की यह प्रक्रिया हमें यह देखने की अनुमति देती है कि हम अपने विचार या भावनाएं नहीं हैं, हम उनके पीछे की अवेयरनेस हैं। टोले की एक प्रमुख शिक्षा थिंकर को देखने का अभ्यास है। इसमें पीछे हटना और अपने विचारों को ऐसे ऑब्जर्व करना शामिल है जैसे कि वे किसी और के हों। ऐसा करके आप अपनी चेतना और अपने सोचने वाले दिमाग के बीच एक अंतर पैदा करते हैं। यह अंतर वह जगह है जहां सच्ची शांति
और उपस्थिति पाई जा सकती है। टोले वर्तमान क्षण को स्वीकार करने के महत्व पर भी जोर देते हैं। सेक्शन 6, विचार अवलोकन को एकीकृत करने के लिए व्यावहारिक कदम। विचार अवलोकन को अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए घंटों ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है। यह आपके दिन भर में छोटे छोटे मोमेंट्स में किया जा सकता है। रिमाइंडर सेट करके शुरुआत करें। आप अपने फोन का यूज कर सकते हैं या अपने घर या कार्यस्थल के आसपास स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। जब आप इन रिमाइंडर्स को देखें तो एक पल रुकें और अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। एक और प्रैक्टिकल स्टेप है विचार अवलोकन का डेली रिचुअल बनाना। ये उतना ही सिंपल हो सकता है जितना कि हर सुबह 5 मिनट शांति से बैठना और अपने विचारों को देखना। अपने विचारों को बदलने या रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें आते जाते हुए ऑब्जर्व करें। कल्पना कीजिए कि आपके विचार आपके मन के आकाश में तैरते हुए बादल की तरह हैं। अपने पूरे दिन के दौरान जब आप विचारों में खोए हों तो खुद को पकड़ने का अभ्यास करें। यह तब हो सकता है जब आप लाइन में प्रतीक्षा कर रहे हों, ट्रैफिक में फंस गए हों या बातचीत के बीच में भी हों। जब आप नोटिस करें कि आप सोच में फंस गए हैं तो एक डीप ब्रेथ लें और पीछे हटें। अपने विचारों को ऐसे ऑब्जर्व करें जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हों। आप किस तरह के विचार सोच रहे हैं? क्या वे हेल्पफुल हैं या अनहेल्पफुल? सेक्शन 7, विचार अवलोकन में चुनौतियों पर काबू पाना। किसी भी नए स्किल की तरह थॉट ऑब्जर्वेशन चुनौतियों के साथ आ सकता है। एक आम चुनौती आपके विचारों को जज करने की प्रवृत्ति है। आप खुद को यह सोचते हुए पा सकते हैं, मुझे ये विचार नहीं सोचने चाहिए। याद रखें, लक्ष्य कोई विचार न रखना या केवल सकारात्मक विचार रखना नहीं है। यह बिना किसी जजमेंट के सभी विचारों को ऑब्जर्व करना है। एक और चुनौती यह महसूस करते समय निराश होना है कि आपका मन कितनी बार भटकता है। यह नॉर्मल है। वास्तव में यह देखना कि आपका मन भटक गया है माइंडफुलनेस का एक क्षण है। हर बार जब आप नोटिस करें तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपने विचारों को ऑब्जर्व करने पर ले आएं। यही प्रैक्टिस है। यह परफेक्शन के बारे में नहीं है बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट के बारे में है। कुछ लोगों को विचारों को ऑब्जर्व करने और उनमें फंसने के बीच अंतर करना चैलेंजिंग लगता है। एक हेल्पफुल टेक्निक है अपने विचारों को लेबल करना। जैसे ही कोई विचार उठता है आप मानसिक रूप से नोटिंग, वरीइंग या रिमेम्बरिंग नोट कर सकते हैं। यह लेबलिंग आपको और आपके विचारों के बीच थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है। सेक्शन 8, केस स्टडी सारा'स जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मिलिए 35 वर्षीय मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सारा से, जो क्रॉनिक स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जूझ रही थी। वह अक्सर खुद को रात में जागते हुए पाती थी, अपने विचारों को शांत करने में असमर्थ। बदलाव के लिए बेताब सारा को थॉट ऑब्जर्वेशन की अवधारणा का पता चला। उसने हर सुबह सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से शुरुआत की, शांति से बैठी और बिना किसी जजमेंट के अपने विचारों को ऑब्जर्व किया। 6 महीने के लगातार अभ्यास के बाद सारा ने अपने स्ट्रेस के स्तर, नींद की क्वालिटी और ओवरऑल वेलबींग में महत्वपूर्ण सुधार की सूचना दी। सेक्शन 9, विचार अवलोकन का रिपल इफेक्ट। विचार अवलोकन के लाभ व्यक्ति से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। जब हम अपने विचारों के प्रति अधिक अवेयर हो जाते हैं तो यह बदल देता है कि हम अपने आसपास की दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हम कम रिएक्टिव और अधिक रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। इस शिफ्ट का हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के रिश्तों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। परिवारों में विचार अवलोकन से अधिक हारमोनियस बातचीत हो सकती है। जब माता पिता विचार अवलोकन का अभ्यास करते हैं तो वे अपने बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करने में बेहतर होते हैं, बिना अपनी अनसुलझी समस्याओं से ट्रिगर हुए। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में यह डीपर अंडरस्टैंडिंग और कम कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दे सकता है। अपने विचारों को ऑब्जर्व करके हम कुछ हर्टफुल कहने या उन तरीकों से प्रतिक्रिया करने से पहले खुद को पकड़ सकते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा हो सकता है। कार्यस्थल में विचार अवलोकन से बेहतर कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग हो सकता है। जो नेता विचार अवलोकन का अभ्यास करते हैं वे स्ट्रेस को मैनेज करने और स्पष्ट रूप से निर्णय लेने में बेहतर होते हैं। सेक्शन 10, प्रभावी विचार अवलोकन के लिए उपकरण और तकनीकें। ऐसे कई टूल्स और टेक्निक्स हैं जो विचार अवलोकन के आपके अभ्यास का समर्थन कर सकते हैं। एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है थॉट जर्नल का यूज।
प्रत्येक दिन के अंत में कुछ मिनट उन विचारों को लिखने में बिताएं जिन्हें आपने ऑब्जर्व किया था। यह आपको पैटर्न्स को देखने और आपकी थिंकिंग प्रोसेसेस में इनसाइट्स प्राप्त करने में मदद कर सकता है। गाइडेड मेडिटेशंस भी हेल्पफुल हो सकते हैं, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हों। ऐसे कई एप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो गाइडेड थॉट ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइजेस प्रदान करते हैं। जब आप अपना अभ्यास डेवलप करते हैं तो ये स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। याद रखें, यह परफेक्टली करने के बारे में नहीं है, यह कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के बारे में है। माइंडफुलनेस बेल्स या एप्स दिन भर में रुकने और अपने विचारों को ऑब्जर्व करने के लिए उपयोगी रिमाइंडर्स हो सकते हैं। आप इन्हें रैंडम इंटरवल्स पर बजने के लिए सेट कर सकते हैं, जो आपको विचार अवलोकन के लिए एक पल निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अभ्यास को आपके डेली लाइफ में इंटीग्रेट करने में मदद करता है। सेक्शन 11, प्लेन कॉन्शियस के दैनिक अभ्यास को विकसित करना। विचार अवलोकन के डेली प्रैक्टिस को डेवलप करना इसके पूर्ण लाभों का अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है। छोटी शुरुआत करें, दिन में 5 मिनट भी फर्क ला सकते हैं। अपने लिए एक ऐसा समय चुनें जो आपके लिए काम करे, चाहे वह सुबह सबसे पहले हो, आपके लंच ब्रेक के दौरान हो, या सोने से पहले हो। अवधि से ज्यादा कंसिस्टेंसी महत्वपूर्ण है। अपने अभ्यास के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस बनाएं। यह आपके बेडरूम का एक कोना, आपके बगीचे में एक जगह या एक आरामदायक कुर्सी भी हो सकती है। विचार अवलोकन के लिए एक स्पेसिफिक जगह होने से आपके मन को यह संकेत देने में मदद मिल सकती है कि यह अभ्यास का समय है। समय के साथ बस इस जगह में प्रवेश करने से आपको अधिक ऑब्जर्वेंट अवस्था में आने में मदद मिल सकती है। जैसे जैसे आप अपना अभ्यास डेवलप करते हैं, आप धीरे धीरे अवधि बढ़ाना चाह सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। लक्ष्य घंटों तक परफेक्ट स्थिरता से बैठना नहीं है, यह आपके डेली लाइफ में माइंडफुल ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी को लाना है। व्यस्त दिन में भी कुछ पल के लिए विचार अवलोकन करना बेनिफिशियल हो सकता है। सेक्शन 12, आपके विचारों को देखने के दीर्घकालिक लाभ। विचार अवलोकन का अभ्यास केवल एक शॉर्ट टर्म फिक्स नहीं है, यह एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो गहन व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन का कारण बन सकता है। समय के साथ लगातार अभ्यास से इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ सकती है। आप अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने में बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आप उन विचारों के प्रति अधिक अवेयर होते हैं जो उनके नीचे होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिशनर्स अक्सर इनर पीस और संतोष की अधिक भावना की रिपोर्ट करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे कभी भी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि वे इन भावनाओं से कम नियंत्रित होते हैं, क्योंकि वे उनमें फंसे बिना उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक रेजिलियंस की ओर ले जाता है।